भारतीय टीम के पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़ ने अपने एक बोल्ड फैसले से क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया। Yes. मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैंने आपसे ज्यादा इतना इंटेलेक्चुअल, इतना शरीफ किस्म का क्रिकेटर नहीं देखा। बात तो सही है। और बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में तो ये जानते ही नहीं कि जेंटलमैन होता क्या है। वाह भाई वाह। और डीएम राहुल द्रविड़ को 5 करोड़ दिए, वो कहता है मुझे ना दो, ये सब में डिवाइड कर दो। राहुल द्रविड़ ने 2.5 करोड़ एक्स्ट्रा जो बोनस था उसने कहा कि मैं नहीं लेता हूं, उसको तकसीम करें सब में बराबर। ये देखो कौन तारीफ कर रहा राहुल द्रविड़ की, एक फिक्सर जो 2 साल की जेल काट के आया मैच फिक्सिंग के आरोप में। भैया इसी को कहते हैं गौर कलयुग। जो सबका हिस्सा बनता है 2.5 करोड़ का, तो भाई मुझे सबके बराबर दो, जजे वाले पैसे सब में डिवाइड कर दो। यार क्या इंसान है ये बंदा, क्या इंसान है ये बंदा, ठोकर मार देता है पैसों को, असूल पे डट जाता है, ये होती है बात। और नहीं तो क्या। वर्ल्ड कप जीतने के बाद बीसीसीआई द्वारा मिलने वाले 5 करोड़ रुपए के बोनस को घटाकर 2.5 करोड़ करने का फैसला किया। मतलब इंडिया में ये लेवल हो रहा है, वो पैसे को इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, और हमारे यहाँ ठूसे जाओ, बहरती बेईमानी हर एक तरीके से ठूसे जाओ। राहुल द्रविड़ को खेल का दरअसल सबसे जेंटलमैन क्रिकेटर माना जाता है। देखिए जी, इट इज अ हॉलमार्क ऑफ क्लासिकल पर्सनैलिटी, जो एक टीम वर्क इज अ रियल टीम मैन। उन्होंने कहा जी अगर मेरे स्पोर्ट्स स्टाफ को इतने पैसे मिल रहे हैं तो मैं इससे ज्यादा नहीं लूंगा। और जी पहली दफा ऐसा नहीं हुआ कि राहुल द्रविड़ ने ये ठुकराया हो। 2018 में अंडर-19 वर्ल्ड कप उन्होंने एज ए कोच जीता था, उस वक्त उनके लिए बीसीसीआई ने 50 लाख अनाउंस किया, खिलाड़ियों के लिए 30 लाख और बाकियों के लिए 20 लाख। उन्होंने 50 लाख लेने से इनकार कर दिया था, एक्स्ट्रा मनी लेने से इनकार कर दिया जीतने के बाद। क्या राहुल भाई, तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए की उन्होंने बोला नहीं यार, जो खिलाड़ियों में बट रहे हैं, जो ऑफिसर में बट रहे हैं वो ही मैं लूंगा, एक्स्ट्रा मैं कुछ भी नहीं लूंगा। उन्होंने बोला जितना बाकियों का होगा उतना ही मेरा होगा, मैं ज्यादा नहीं लूंगा। ये होता है कि आप अपने, इसे बोलते हैं टीम मैन, टीम लीडर, ठीक है, आप अपनी बाकी टीम को बोल रहे होते हैं कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। सलूट करता हूँ राहुल द्रविड़ को, उन्होंने अंडर-19 में भी इजाफी, किसको 5 करोड़ बुरा लगता है इंडियन रुपीस, पाकिस्तानी 18-20 लाख। अच्छा चाचा एक बार फिर, पाकिस्तानी 18-20 लाख। चाचा हिंदुस्तानी 5 करोड़, पाकिस्तान के 16 करोड़ 59 लाख बन जाते हैं, ना कि 15-20 लाख। जबरदस्त। खैर पाकिस्तान की टीम तो पूरी 15-20 लाख रुपए में अपनी स्पॉट फिक्सिंग कर लेती है। तो तुम्हारे लिए तो वो भी बहुत बड़े। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। इन पाकिस्तानियों से मुझसे करोड़ निकल ही नहीं रहा है, लाखों में बात कर रहे हैं कि इनको पता है कि इतने पैसे तो होते ही नहीं है, इनकी जुबान भी सिर्फ लाखों में खेल रही है। पाकिस्तानी 18-20 लाख, इंडिया नहीं 5 करोड़ का, नहीं जो 2.5 करोड़ मेरे कोचिंग स्टाफ को मिला है मैं वही लूंगा। ग्रेट होता है वो सिर्फ क्रिकेट को लेके नहीं होता, बाकी बातों पे भी होता है। क्रिकेट आप 10-15-20 साल खेलेंगे ना मैक्सिमम, आज भी अगर वो इज्जत कमा रहे हैं तो अपने काम की वजह से कमा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, इस देश के अंदर अगर सचिन तेंदुलकर के बाद अगर इस क्रिकेट जगत में किसी का सबसे ज्यादा सम्मान अगर किया जाता है तो वो राहुल द्रविड़ का किया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है। मैं पुराने क्रिकेटर की बात नहीं कर रहा, वो भी ग्रेट रहे अपने टाइम के लीजेंड रहे, लेकिन जो अभी वर्तमान दौर में चल रहे हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप में से बहुत सारे मुझे पहल जाएंगे, वो नहीं था क्या, वो नहीं था, आज से 20-30 साल पुराना वाला उठा के, तो भाई पहले क्लियर कर दो। एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भाई मेरा ICICI में बैंक अकाउंट पिछले 8 से 10 साल से, तो जब भी मेरे को ICICI बोलना होता है तो मेरे मुंह से ICICI निकल जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है, फिर आप कमेंट में मेरी ऐसी तैसी करके चले जाते हो, मैं कितनों को छपाइया दूं, इसके लिए मैं आज वीडियो में बोल के ये बात खत्म कर देता हूं कि भाई मेरे मुंह से ICICI निकल जाता है, बोलना मैं ICICI चाहता हूं लेकिन ICICI निकल जाता है। कोई बात नहीं। राहुल द्रविड़ का जो बैटिंग स्टाइल था वो द वॉल के नाम से जाना जाता था, इनकी सुरक्षा इतनी मजबूत होती थी कि इन्होंने एक बार तो 90 गेंदों पे सिर्फ 1 रन बनाया। ये भी एक हिस्ट्री है, एक रिकॉर्ड है, तो इनकी सुरक्षा को कोई भेद नहीं सकता था। उस जमाने के अंदर भी ये लीजेंड थे, कम बोलते थे, काम से काम रखते थे जब ये क्रिकेट खेलते थे। अभी लोगों को क्रिकेट खेलना सिखा रहे हैं, क्रिकेट में जेंटलमैन कैसे बना जाता है ये लोगों को सिखा रहे हैं, और इन्हीं की कोचिंग में भारत ने अभी विश्व कप भी जीता है। तो राहुल द्रविड़ के बारे में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, नो डाउट ये ग्रेट मैन है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है पाकिस्तानी इतने खुश क्यों हो रहे हैं। इनके यहाँ तो इजमा मुलक ने 1 करोड़ रुपए के लिए पूरे पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड था उसको पूरा हिला दिया था, जिसमें तो उसका कोई राइट भी नहीं बनता था पैसे लेने का, लेकिन उसने साम दाम दंड बेंद करके लड़ लुड़ा के झगड़ के 1 करोड़ रुपए लिया है। ये फर्क है हिंदुस्तानी में और पाकिस्तानी में। और ये कहानी अगर आपको पाकिस्तानी सुनाए तो आपको और ज्यादा मजा आएगा। तो बिना देर के चलते पाकिस्तान। गाड़ी स्टार्ट कर। बहुत ही बड़े दिल का मुजाहरा किया जी राहुल द्रविड़ ने, स्ट्रेट फॉरवर्ड राहुल द्रविड़ ने पैसे छोड़ दिए, यानी कि पैसे कैसे राहुल द्रविड़ ने छोड़ दिए। राहुल द्रविड़ को मिलने थे 5 करोड़ रुपए, जो पूल बना था आपको पता है कि एक बड़ी इनामी रकम है, 125 करोड़ रुपए जो है आप कहने के डिवाइड होने इंडियन रुपीस,
जो कि इंडियन टीम ने वर्ल्ड कप जीता है उन सारों में, तो इसके अंदर राहुल द्रविड़ के हक में 5 करोड़ रुपए आते थे। दीगर असिस्टेंट कोचों को जो आप कह लें कि 2.5 करोड़ रुपीज जो दिए जा रहे हैं 2.5 करोड़ रुपए, तो इस पर राहुल द्रविड़ ने एक स्टैंस ले लिया भाई क्या उस। और जी पहली दफा ऐसा नहीं हुआ कि राहुल द्रविड़ ने ये ठुकराया हो। 2018 में अंडर 19 वर्ल्ड कप उन्होंने एज ए कोच जीता था, उस वक्त उनके लिए बीसीसीआई ने 50 लाख अनाउंस किया, खिलाड़ियों के लिए 30 लाख और बाकियों के लिए 20 लाख। उन्होंने 50 लाख लेने से इनकार कर दिया था, उन्होंने बोला जितना बाकियों का होगा उतना ही मेरा होगा, मैं ज्यादा नहीं लूंगा। ये होता है कि आप अपने, इसे बोलते हैं टीम मैन, टीम लीडर, ठीक है, आप अपनी बाकी टीम को बोल रहे होते हैं कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, वो अगर फल लेना है तब भी, और अगर खुदा ना खासा हार गए तब भी मैं आपके उतना ही रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। इसको बोलते हैं लीडर। तो क्यों ना जो बाकी खिलाड़ी हैं उनके साथ जान लड़ाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। और इंडिया के लिए आप कुछ किस्मती चेक कीजिए कि उनको रिप्लेस जो कर रहे हैं गौतम गंभीर, उनका मैंने एक बार सुना कि वो आईपीएल के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं किया था तो उन्होंने बोला कि मैं अपने पैसे वापस कर दूंगा क्योंकि मैं जितने लिए मैं डिजर्व नहीं करता क्योंकि मेरी वजह से फ्रेंचाइज जो है वो बुरे टाइम से गुजरी है। तो ये थिंकिंग है, ये क्यों है, ये देखें एक करेक्टर ऊपर होता है उसको फॉलो करके बाकी भी उस तरह की एग्जांपल दे रहे होते हैं। आप जब कहते हैं ना कि मेरे लिए इंस्पिरेशनल है, आप बीइंग क्रिकेटर फर्ज के आप बडिंग क्रिकेटर हैं, आप कहते हैं मेरे लिए राहुल द्रविड़, मेरे लिए सचिन तेंदुलकर, मेरे लिए जावेद मेहदाद, इमरान खान मेरे इंस्पिरेशनल हैं, तो फिर आप काफ़ी हद तक उनको फॉलो भी कर रहे होते हैं, मतलब उनकी बाकी चीज़ों को भी कर। कोई क्रिकेटर ग्रेट होता है वो सिर्फ क्रिकेट को लेकर नहीं होता, बाकी बातों पर भी होता है। क्रिकेट आप 10-15-20 साल खेलेंगे ना मैक्सिमम, आज भी अगर वो इज्जत कमा रहे हैं तो अपने काम की वजह से कमा रहे हैं, उसकी बहुत सी वजूहत है। अब मैं 2017 की जो आपको पहले एग्जांपल बताई थी उसके ऊपर आता हूँ। 2017 में जब हम जीते चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो पैसे शायद 230 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस मिले थे वो तो खिलाड़ियों में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, बाकी में सब में हुए। फिर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर उस तक नवाज शरीफ थे, उन्होंने इस्लामाबाद में सब टीम को बुलाया था, आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि सबको इनाम मिलेगा। उसमें हैरान कुन तौर पर इंजमामुल हक चीफ सिलेक्टर थे, उन्होंने उस वक्त खबरें जो चली थी, उस वक्त खबरें जो चली और उनके ऊपर क्रिटिसाइज भी हुआ, अभी भी गूगल करके देख लें, हमारे मोहसिन हसन खान उन्होंने क्रिटिसाइज किया, इकबाल कासिम जो फॉर्मर चीफ सिलेक्टर थे उन्होंने इस बात पर क्रिटिसाइज किया कि इंजमामुल हक क्यों 1 करोड़ रुपया ले रहे हैं। तमाम खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ मिला क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आए थे, ऐसे में इंजमामुल हक ने भी 1 करोड़ लिया और खबरें ये चली कि उन्होंने असर और रसूख इस्तेमाल करके कहा कि भाई मैं भी डिजर्व करता हूं, मुझे भी दें, मैं चीफ सेलेक्टर हूं, मैंने टीम ये सेलेक्ट करके भेजी थी, मुझे भी 1 करोड़ दें। तो जबकि उनके जो बाकी सेलेक्टर थे मुजाहिदुल्ला वास्ती थे, वसीम हैदर थे, तौसीफ अहमद थे, ये 3 सेलेक्टर थे, उनको 10-10 लाख मिला था। उन्होंने कहा नहीं मैंने 1 करोड़ चाहिए, ये खबरें चली थी, अगेन जो खबरें उस वक्त चली थी मुझे आज भी ज़्यादा कोई बहुत दूर की बात नहीं, 2017 की बात है। तो प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें 1 करोड़ रुपया इनाम दिया था जबकि उनके बाकी सिलेक्टर को 10-10 लाख रुपए मिले थे। और ये इसलिए भी क्रिटिसाइज हुआ था कि इंजमामुल हक 12 लाख सैलरी ले रहे थे जबकि बाकी उनके जो सिलेक्टर थे वो महज 3 लाख सैलरी ले रहे थे, यानी आप $1,000 समझ लीजिए कि वो ले रहे थे जबकि इंजमामुल हक जो थे ऑलमोस्ट $4,500। मैं डॉलर्स में इसलिए बता रहा हूँ कि सबको अंडरस्टैंडिंग में आसानी रहे, इतनी सैलरी ले रहे थे। तो भी क्रिटिसाइज हुआ कि यार जब सिलेक्शन टीम बनी है तो तब सिलेक्शन पूरी की पूरी सिलेक्शन कमेटी को क्रेडिट जाना चाहिए, सिर्फ एक चीफ सिलेक्टर को क्यों जाना चाहिए। तो कितना बड़ा कद होता, वो खुद कहते नहीं कि मेरे सिलेक्टर ने 10 लाख मिला मैं भी 10 लाख लेना है, मैं इससे ज़्यादा नहीं लेना। इसके लिए दिल गुर्दा चाहिए होता है, इसके लिए आप अपना रूल सेट करते हैं, उसके लिए आप अपना करैक्टर बनाते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ये किया तो बीसीसीआई ने कहा ठीक है मैं बाकियों को भी इतना देता हूँ आप प्लीज़ ये रखिए। इससे पहले 2018 में इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने 2018 में ऐसा किया, उन्होंने बोला 50 लाख नहीं 50 लाख दे रहे थे, बाकी को खिलाड़ी को 30 लाख मिला था और बाकी स्टाफ को 20 लाख मिला था, उन्होंने बोला नहीं मैंने भी उतना ही लेना है। ठीक है, या तो पहले भी बुलाज हुए होते तब उन्होंने ये वाली दोबारा चल रही होती कि खैर है पहले भी उन्होंने सारे मिल गए सन अभी यू नो के अकोमोडेशन हो जाएगी सबकी। तो बीसीसीआई ने कहा कि इनके सेंटीमेंट्स की हम रिस्पेक्ट देते हैं तो इट्स ओके जितना वो लेना चाहें। ये नहीं है कि उनकी इस ट्रिप के बाद उनको सबको पैसे मिल जाएंगे और वो हीरो बन जाएंगे, ऐसा नहीं है, वो नहीं ले रहे तो वो नहीं ले रही हैं। और मैंने एमएस धोनी की भी ये पैसों के वाइस बड़ी सी ऐसी कहानियां सुन रखी हैं कि वो भी इस मामले में अपने रूल को फॉलो करता है, वो इस चीज़ की तरफ जाते हैं, इसलिए पैसा उनके उनके इनके ऊपर आशिक है। ये नहीं कि मार्केट बड़ी है, ये कि कद काट भी बड़ा है। विद ड्यू रिस्पेक्ट और भी बड़े बड़े क्रिकेटर हैं जो बहुत बड़े कद के हैं मगर इस वाइस उनको इंडियन फैंस भी उस तरह से पसंद नहीं करते जितना वो राहुल द्रविड़ सचिन को एमएस धोनी को करते हैं क्योंकि गंगोली को करते हैं। मतलब पाकिस्तानी फैन के पास चले जाएं वो भी इन सबका नाम लेंगे कि यार कोई मिला नहीं है उनसे, कोई मिला नहीं है। यही खबरें सुन के और देख कर लगता है कि हाँ यार बड़े हैं। हम पाकिस्तानी जर्नी से राहुल द्रविड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करते थे हमें बड़ा लगता था कि यार एक विजनरी बंदा बात कर रहा है क्योंकि जब आप अपनी पॉलिसी अपने रूल सेट करते हैं और उसके ऊपर खड़े रहते हैं, सेट करना इज समथिंग एल्स, खड़े रहना इज समथिंग एल्स, तो बड़ी बात होती है। मुझे आज भी याद है मैं खैर फील्ड में नहीं था बट पाकिस्तान के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट ये गुफ्तगू करते होते थे कि यार फिलहाल पाकिस्तान का बड़ा ग्रेट बॉलर रहा है, बहुत बड़ा ग्रेट है, आज भी लोग उनको मानते हैं
और उन्होंने अपनी रिटायरमेंट की खबर तक को बेचा था कि मैं रिटायर हो रहा हूँ। उन्होंने एक न्यूज़ जो हैं ब्रिटिश न्यूज़ उनको सेल की थी अपनी रिटायरमेंट की न्यूज़, जो उनके ऊपर बातें होती हैं। वो बहुत बड़े ग्रेट पाकिस्तान के हैं, आज भी उनको मानते हैं कि पाकिस्तान के बहुत बड़े वो क्रिकेटर रहे हैं, सब कुछ है, मतलब एज ए क्रिकेटर तो सब उनको मानते हैं। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने अपनी रिटायरमेंट तक की खबर को बेचा कि मतलब वो भी पाकिस्तान में अनाउंस नहीं किया था, वो भी बाहर किया था अनाउंस। तो ये जर्नलिस्ट खुद कहते हैं, खुद कहते हैं कि यार ये शायद मुनासिब चीज़ नहीं है। मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, पॉइंट इज़ के आपको क्रिकेटर बड़ा बनना है, आपको इंसान भी बड़ा बनना है, आपको वैसा कद काठ भी रखना है कि लोग आपकी तारीफ करें कि यार ये बंदा भी बड़ा है, क्रिकेटर तो बड़ा है, उससे बड़ा ये इंसान भी है। तो ये दोस्तों ये कहने को एक छोटी सी बात है कि यार उसने 5 करोड़ नहीं लिया 125 करोड़ में से, उसने बोला नहीं यार मुझे भी आप 2.5 करोड़ दो। और जो डिवीजन की गई, डिवीजन ये थी कि 5 करोड़ विनिंग टीम को जो खिलाड़ी हैं उनको मिलेगा, 5 करोड़ ही कोच को मिलेगा, फिर जो स्टाफ है उनको 2.5 करोड़ मिलेगा, जो ट्रैवलिंग जो हैं उनको 1-1 करोड़ मिलेगा, ट्रैवलिंग में और जो बाकी स्टाफ के लोग हैं उनको 1-1 करोड़ मिलेगा। तो राहुल द्रविड़ ने बोला कि नहीं मुझे भी आप 2.5 करोड़ दीजिए, मैंने 5 करोड़ नहीं लेने क्योंकि मेरे बाकी साथी 2.5 ले रहे, तो मैं भी लूँगा। यानी उनके साथी कौन है, कोचिंग स्टाफ के अंदर बाकी जो हैं। तो ये है दोस्तों, आई गेस कि ये एक एग्जाम्पल होती है और ये बताना होता है कि आपको जब लीडर बनना है तो आपको कैरी करना है बाकी सबको साथ लेके। और जाते जाते मैं ये और बता दूं, राहुल द्रविड़ की हम हमेशा सम्मान करते थे, इज्जत करते थे, और राहुल द्रविड़ ने जो ये काम किया है इससे पहले भी वो कर चुके हैं, हमारी नज़रों में उनका सम्मान और बढ़ गया। सर मैं आपको एक ग्रैंड सलूट देना चाहूँगा, हिंदुस्तान के क्रिकेटर में और पाकिस्तान के क्रिकेटर में कितना फ़र्क होता है ये एक पाकिस्तानी रिपोर्टर बता रहा है, अपने ही लोगों को जलील कर रहा है क्योंकि वो जलालत के काम करते हैं। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ पाकिस्तानी, मुझे गाली मत दे के जाना, तुम्हारे पाकिस्तानी तुम्हें जलील करते हैं क्योंकि वो जलील होने के काम करते हैं। खैर पूरे टॉपिक पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन आपका है, आप भी इन पाकिस्तानियों को सबक सिखा सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।